मैं खबर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है पारस और आरती को लेकर। तो आइए आपको उस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। उससे पहले दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें। और चैनल को यार इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। अब बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आज पारस छाबड़ा और आरती सिंह के बीच बहुत ही तगड़ी नोकझोंक देखने को मिली है। जी हां, यानी कि ये जो लड़ाई है वो शुरू होती है आटे से लेकर। जी हां, यानी कि घर में जो आटा है वो 20 किलो आया है और आटे से बनती है रोटी, तो रोटी को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक देखने को मिल रही थी। शुरुआत करते हैं पारस से। तो पारस का कहना था कि हम लोग मोटी मोटी रोटी बना देते हैं, जहाँ 3 रोटी बननी है वहाँ 2 रोटी बनेगी और आदमी का पेट भी भर जाएगा, तो ऐसा कहना था पारस का। वहीं दूसरी ओर आरती का कहना है कि आटा 20 किलो ज़्यादा है तो पतली पतली रोटी बनाइए और जितना आदमी खा सके उतना खिलाइए, लेकिन रोटी को मोटी न बनाइए, जैसी बनती आ रही है सदियों से वैसी ही रोटी बनाइए, ऐसा कहना था आरती का। और तभी आरती और पारस में शुरू हो जाती है नोकझोंक रोटी को लेकर। पारस कहता है कि मैं मोटी रोटी बनाऊंगा लेकिन 2 रोटी बनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर आरती कहती है नहीं, पतली रोटी बनाइए। तभी पारस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंपर हो जाते हैं और बोल देते हैं आरती को कि आप गधी हैं। और जैसे वो गधी बोलते हैं उसके बाद से आरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। उनके हाथ में प्लेट रहती है और वो प्लेट को पटक देती हैं ज़मीन में, जिसके बाद से प्लेट भी टूट जाती है। तो गधी बोलने के बाद मात्र छोटा सा शब्द था कि गधी, और गधी बोलने के बाद आरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गई, काफ़ी ज़्यादा टेंपर हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि गधी बोलने से इतना टेंपर क्यों गई। वो बार बार कह रही थी कि मुझे सब कुछ बोलना लेकिन गधी ना बोलना, ऐसा कहना था आरती का। तो गधी, मुझे नहीं लगता कि गधी बोल दे तो कुछ ज़्यादा टेंपर होने की आवश्यकता थी, लेकिन आरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गई। यही हुआ था लड़ाई। तो शेयर करना वीडियो को, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करते चलो चैनल को कोई भी बिग बॉस अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। शेयर करना वीडियो।